लगता है वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सच होती जा रही है। धीरे धीरे दुनिया में क्लाइमेट बदलने लगा है। इसका उदाहरण कटिहार के विभिन्न प्रखंडों में बेमौसम आने वाली बाढ़ है। पिछले 4-5 दिनों से अहमदाबाद प्रखंड के कई पंचायत में बाढ़ का कहर इस कदर बढ़ गया है कि बस पूछिए मत। अहमदाबाद में हालांकि स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। घरों में पानी घुस रहा है, लोगों का सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो गया है, तो कुछ इलाकों के लोग तो घरों में ही कैद हो गए हैं और कुछ इलाके के लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर पलायन कर चुके हैं। चारों ओर बदहवास से स्थिति देखी जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठकें आयोजित कर पूरे इलाके को बाढ़ पीड़ित घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सीओ को बॉन्ड कर दिया गया, ऐसा लिमिटेशन कर दिया गया है कि वो मजबूर है डीएम का निर्देश को पालन करने के लिए, क्योंकि वो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट बॉडी है, ऑब्वियसली उनको मानना पड़ेगा। लेकिन एमएलए साहब को मैं अपनी तरफ से ये बात कहा कि नगर पंचायत अहमदाबाद को इस तरह से इग्नोर करने से नहीं होगा। नगर पंचायत लगभग जो है मोर देन 50% लोग पानी में डूबे हुए हैं। मैडम ने आश्वासन दिया कि अगर हमको ऊपर लेवल से कुछ अगर अलाउ होगा तो जा करके फिर हम आवंटन कर पाएंगे। तो मेरा मांग था कि सूखा राशन वगैरह हो या कम्युनिटी किचन जो होता है वो इस्टेब्लिश हो, प्लास्टिक वगैरह दिया जाए। शेख मौसम, नगर पंचायत अहमदाबाद। 2 महीने से बाढ़ अहमदाबाद प्रखंड में तराही मचा हुआ है। इस चीज़ को लेकर के कई बार अनुमंडल पदाधिकारी से मिला गया है, सीओ मैडम भ्रमण की है क्षेत्र का, जो कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि सब क्षेत्र में जो है कर्मचारी को भेज करके रिपोर्ट मांगा जाएगा, उसके बाद पॉलिथीन और वितरण किया जाएगा। 1.5 महीना तक कंटिन्यू बाढ़ रहा है, उस पर ना ही उन लोग को कोई पॉलिथीन मिला है, ना ही किसी प्रकार का कोई सरकारी सुविधा मिला है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय यही लिया गया है कि 6 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, उसमें 2-2 किचन चलाया जाएगा। तो मैं डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि सीओ महोदय से बोल करके मवेशी का चारा देने का काम करें, सूखा राशन देने का काम करें। सिर्फ ये लोग पेपर पेन से सूखा स्थलों का चयन किया है, कोई क्षेत्र में जाके चयन नहीं किया है। मोहम्मद अजहर, प्रमुख प्रतिनिधि अहमदाबाद। तो हर पंचायत में अभी तत्काल 6 पंचायत में 2 से 3 कम्युनिटी किचन चल रहा है, और जहाँ पे लोग खाना की व्यवस्था नहीं हुआ सूखा राशन दिया जाए, बाढ़ राहत से मतलब रिलीफ और राहत जीआर की राशि मिला जाए। हमें गोपाल प्रसाद सिंह, मुखिया दुर्गापुर। बाढ़ के बढ़ते कहर को देखते हुए मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने अहमदाबाद प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में जनप्रतिनिधि अधिकारियों के बीच गहमा गहमी से स्थिति देखने को मिली। बैठक के बाद विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना से यह अपील करते हुए कहा कि अहमदाबाद की 6 पंचायतें पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि बाकी पंचायत आंशिक रूप से, इसलिए जल्द से जल्द इस प्रखंड में सभी तरह के बाढ़ राहत कार्य चलाए जाए। बाढ़ के लिए हम लोग देख रहे थे कि उसमें कुछ शिविर आज खोला जाएगा और फिर सर्वे किया जाएगा, और गांव के मुखिया लोगों से भी बातचीत हुई, सब लोगों से बातचीत हुई। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत जगह और प्रभावित हो गया है जिसका रिपोर्ट यहां पर नहीं है, तो मैंने कहा इसका रिपोर्ट ले लीजिए और जो प्रभावित है उस पर जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से उसको दिया जाए। प्लास्टिक देना है प्लास्टिक दीजिए, और जो अगर सूखा राशन की जरूरत पड़ेगी सूखा राशन दीजिए, और जहाँ शिविर की जरूरत पड़ेगी शिविर दिया जाएगा। जहाँ पर आंशिक है उसका रिपोर्ट कैसे किया? ना, अभी रिपोर्ट नहीं किए हैं। रिपोर्ट आंशिक कैसे कहा गया? नहीं, कुछ टोला नहीं मान गया। क्या सर्वे कराया गया? सर्वे तो हम लोग पब्लिक में नहीं देखते हैं, सर्वे नहीं करा गया। क्या 12 पंचायत प्रभावित है या नहीं? प्रभावित कह रहे हैं, सब जगह प्रभावित है। सर, सामुदायिक किचन कब शुरू? आज से शुरू होगा। इस बैठक में मौजूद सीओ स्नेहा कुमारी ने कहा कि कुछ राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं, बाकी भी जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। बाढ़ को लेके हम लोग ने 13 जगह चिन्हित किया है जहां हम लोग सामुदायिक रसोई जो है वो चलवा रहे हैं। कब से प्रारंभ किया? कोशिश रहेगी आज शाम से हम लोग उसको चलाना सुनिश्चित कर। पारदियारा में है कीर्ति टोला, नगर पंचायत में एक जगह है मुनिवर टोला, और भी जगह है दुर्गापुर पंचायत, भवानीपुर खट्टी। कितने पंचायत में? 6 पंचायत जो है हमारा पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, और कुछ पंचायत है आंशिक प्रभावित है। शरण लेने के लिए सूखे स्थल पर कितने लोग बाढ़ प्रभावित शरण? अभी जो है जलेबी टोला का दक्षिणी करीमुल्लापुर में देखा जाए तो जलेबी टोला, हरदेव टोला, ये लोग जो है बांध पे जाके अभी बसे हुए हैं।
पूर्व में हम लोग इनको प्लास्टिक शीट उपलब्ध करवा दिए हैं और अभी यहाँ पे कम्युनिटी किचन चलवा रहे हैं। हम लोग 1200 प्लस करवा चुके हैं, 6 पंचायत, 9-7 जगह पर परिचालन हो रहा है, 6 सरकारी 1 गैर सरकारी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज शाम से इसको शुरू कर रहे हैं। बाट का यह कहर सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि मनिहारी में भी देखने को मिल रहा है। मनिहारी प्रखंड के कई पंचायतें बाट का कहर झेल रही हैं। उत्तरी काटा कोस से लेकर दिलारपुर और कठौतिया क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से राहत शिविर चलाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साजन। बाढ़ ने मचाया हाहाकार। अभी हम पहुंचे हैं दिलारपुर पंचायत के कालीगंज कठौतिया में। यहाँ 3 वार्ड जो पूरी तरह जो बाढ़ प्रभावित है। यहाँ के जो है संजय जी, कुंदन जी, उससे बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ परेशानी हो रही है बाढ़ के चलते। ग्रामीण काफी जो है कि असमंध के इसमें है, उसे बात करने का प्रयास करें। जी, आपके वार्ड में पानी है क्या? जी हाँ, दिलारपुर पंचायत के 4 वार्ड में बाढ़ का पानी अचानक ही घुसा है, दोबारा घुसा है और काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है। ना अभी तक प्रशासनिक कोई आए हुए हैं, ना कोई नेता आए हुए हैं। तो यहाँ के कुछ ग्रामीण का कहना कि मुखिया जी नहीं आते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम मुखिया जी के विषय में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जैसा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है यहाँ जो काफ़ी जो है कि यहाँ जो है कि ना तो किचन चालू हुआ है, ना तो प्लॉथिंग मिला है, ना तो फिर जो सुखा राशन मिला। इसके विषय में क्या? जी यहाँ अगले बार हम लोग के समक्ष में लगभग 350 प्लास्टिक बनता गया था और उसके बाद हम लोग को लगा नहीं कि इससे भी उससे भी ज्यादा बार आ जाएगा, लेकिन आया, बार आया है। हम लोग यहाँ मुआयना भी कर रहे हैं, देख रहे हैं और हम लोग पदाधिकारी से मांग भी करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सामुदायिक किचन चलाना चाहिए। और अभी उसके बाद जो चारों बगल यानी बाहरी एरिया चारों बगल फ्लड है हम लोगों का, तत्काल अभी जो है सामुदायिक किचन शिविर चलाया जाए। ये थे कुंदन जी समिति, जो दूसरे समिति संजय जी है उससे भी बात करेंगे कि इनके वार्ड में इसके क्षेत्र में क्या क्या परेशानी हो रही थी। जी क्या नाम है? मेरा नाम संजय मंडल, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 11 है, मेरा ही क्षेत्र पड़ता है 1, 2, 3, 4, जिसमें कि सबसे बड़ी परेशानियाँ हैं कि अभी तो ना ही कुछ खाने पीने की सुविधा मुहैया कराया गया है प्रशासन के द्वारा, और थोड़ी बहुत पोलोथीन भी मुहैया कराया गया था तो सबके में कुछ ना कुछ बांट दिया गया, और अभी मवेशियों का भी चारा वगैरह का मतलब कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ की जनता बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए तो बहुत वादा करते हैं, लेकिन जब वोट लेके चले जाते हैं तो यहाँ देखने तक नहीं आया कि जनता को क्या परेशानी हो। हम लोग तो जहाँ तक सेवा होता है हम दोनों मिलते हैं, दोनों पंचायत समिति जैसे भी होता है जहाँ तक भी होता करते हैं, और ना ही हम किसी का साथ या किसी का बातों को आगे पीछे करना पसंद करेंगे। जहाँ तक हम लोग का साथ है हम लोग साथ रहेंगे। पंचायत के प्रधान को देखना चाहिए, जो उनका सबका अपना अपना दायित्व है, हमारा दायित्व है कि हमें सबका दुख दर्द को समझ के प्रखंड में देना, प्रमुख के साथ से बात करना। परेशानी हो रहा है सर, बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। जैसे अभी तो देख रहे हैं सर, रोड डूब गया पूरा, आने जाने में, खाने में, पानी पीने तक में परेशानी हो रही है। क्या करेंगे सर हम लोग, बोलिए। कोई नेता आता है कुछ नहीं। जीतने के बाद एक दिन भी मतलब नहीं आया यहाँ कालीगंज। अब बोलते हैं जाते हैं उधर बांध की तरफ, बोलते हैं काहे ना आते हैं कालीगंज की तरफ, बोलता है झगड़ा करने आए हो यहाँ आप लोग। हम लोग जाके बोलते हैं ना सर, जो लाइट उट लगा रहा है सर, बोलते हैं हम लोग का गांव में क्यों ना लगाते हैं, बोलता है यहाँ झगड़ा मत कीजिए, जाइए जब होगा तब जाएंगे। मतलब उधर ही है सिर्फ, क्या जनता है इधर, अंदर जनता न है कहीं ना कहीं। हाँ जी, होना चाहिए खाना खाना पीना भी होना चाहिए। बारे में टेबल सब नीचे चल गया है, पानी का चूल्हा में पानी है, माल जाल सब एकदम सूख गया हम लोग का। और मुखिया जीतने के बाद कालीगंज धरती देखा ही नहीं है कैसा होता है, उसको खाली जीतना था, जीत गया, काम खत्म। मुखिया हिमा देवी नाम है। बाढ़ ने मचाया हाहाकार। अभी हम खड़े हैं उत्तरी कटाकोस के गौतम नगर वार्ड नंबर 9, ताकि यहाँ जो भैंस का जो है, गाय का जो, मवेशी का जो दर्रा होता है, यहाँ पर जो है लोगों ने यहाँ खाने के लिए बेबस है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इसकी क्या है दुख और तकलीफ, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अभी जो है कि जो भैंस का जो दर्रा बना हुआ होता है, जो मवेशी को खिलाया जाता है, वो इन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है ताकि बाल बच्चा को खिलाया जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बालदेव परिहार, घर गौतम नगर उत्तरी कटाको से। और यहाँ मेरा अभी बहुत दिक्कत है, घर के चारों बगल घर में ही पानी हो गया है, मवेशी भी पानी पर खड़ा है,
उसके बाद गए शाम को भूसा निकालने के लिए, वहाँ सर्फ निकला, गाय और भैंस सब भूखल है, बहुत कठिन से जीते हैं किसी तरह से, जो कि अभी जिंदा है, नौ अभी नाव है, नौ सीबी चल रहा है, अभी माल भी मर रहा है भूखे से, जो गड्ढा बना के बाल बच्चा को जो भरण पोषण कर रहे हैं, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या है यहाँ का, क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घाटा बना रहे हैं खाने के लिए जी, मवेशी को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, क्या खाना उना नहीं है, खाना उना रहता तो ये घाटा उठा खाते हैं, सब देखिए पानी में डूब गया है पूरा। अभी प्रशासन के तरफ से कुछ दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है सर, सिर्फ एक पन्नी दिया गया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। भोजन पानी का दिक्कत हो गया है, चूल्हा में पानी हो गया है, इसलिए मेरा खाना का व्यवस्था सरकार करे, नाव चलावे, पोलोथीन वगैरह सब जो है दे। अभी घर में बहुत किसी का घर भी ये कैफूस का घर है, गिर गया है, तत्काल पोलोथीन का भी कुछ व्यवस्था करे सरकार। बाढ़ से हम लोग पूरा प्रभावित हैं और उसकी वजह से हम लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग मनिहारी जाना है कुछ लोगों को, कुछ राशन लाने के लिए, तो साइकिल नाव पर लेके आए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि कुछ हम लोग को सूखा राशन और हम लोग को कुछ पैसा दिया जाए। सरकार से हमारा यही मांग है कि घर में भी पानी हो गया है, चूल्हा में पानी है, सरकार से यही मांग है कि हमारा खाने का व्यवस्था किया जाए, तत्काल शिविर का व्यवस्था किया जाए, जो कि हम लोगों का जीवन यापन हो सके। पूरे घर में पानी है, इन लोगों का खाना का भी व्यवस्था किया जाए। SDO साहब से भी हम बात किए, वो बोले जी आज शाम तक में ना तो कल सुबह तक में हम लोग वहाँ पर करवा देंगे। डोंगचा नाव से ही लोग टपते हैं, बच्चा लोग परीक्षा देने जाने वाला था, वो लोग भी मना हो गया है, पानी में जाने आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हाँ है, ये कौन सा वार्ड है? 9 नंबर वार्ड है, गौतम नगर गांव इनको बोला जाता है, पंचायत उत्तरी काटाकोस। ताकि घर बाढ़ से प्रभावित है वार्ड नंबर 9 में, ताकि उत्तरी काटाकोस का पंचायत जितना भी सारे गांव में पानी फैल चुका है, यहाँ के ग्रामीण का मांग है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, खाने का किचन बने, समुदाय किचन, और पनीर तिरपाल का व्यवस्था हो। मैं साजन, KBC न्यूज, कटिहार। वहाँ बाढ़ का पानी फैल गया है और पहले जो था पानी घट गया, फिर पानी बढ़ गया, तो स्थिति और बदतर हो गई है। ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और जहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनको कोई आधार नहीं है, वो जो उचित स्थान पर उनको लाया जाए और उसके लिए शिविर स्थापित किया जाए, और जो राहत कार्य में जो राहत सामग्री मिलती है उसको दिया जाए, ताकि इस बाढ़ में उनको कुछ उनका कल्याण हो जाए। अहमदाबाद में कटाव जारी है, यहाँ मनिहारी में भी कटाव जारी है, जलालपुर में बहुत जोर कटाव जारी है, उसके लिए मैंने एक्सिक्यूटिव इंजीनियर से भी बात भी की, चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने जांच भी की है, उनका कहना है कि अभी राइज पर है, पानी नहीं राइज पर है, इसलिए उस पर अभी तो तत्काल काम हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन पानी जब घटेगा तब लोग कार्रवाई करेंगे।